Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn the difference between British and American English. Friends, आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में फर्क देखेंगे. मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है सेमिक विश्वकर्मा. आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या फर्क है, एक वीडियो बनाएं. तो आज का वीडियो मैं आपके डिमांड पर बना रहा. उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के प्रोनंसिएशन में फर्क देखेंगे. साथ ही साथ हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग में फर्क देखेंगे. और फिर लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे ब्रिटिश वर्ड जो अमेरिकन इंग्लिश में नहीं बोली जाती या उनके जगह पर कोई और वर्ड्स यूज किया जाता है. तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बताऊं, फिर उसके बाद हम इस लेसन को सीखेंगे. जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ यानी इंडिया में निचली मंजिल को हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर होता ही नहीं है. यानी हमारे यहाँ सबसे जो पहला मंजिल होता है उसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, फिर उसके ऊपर जो मंजिल होता है उसे हम फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे होता है. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में जो निचली सतह होता है उसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, फिर उसके ऊपर जो मंजिल होता है उसे हम सेकेंड फ्लोर, उसके ऊपर जो मंजिल होता है उसे हम थर्ड फ्लोर कहते हैं. मतलब इंडिया में जो ग्राउंड फ्लोर है अमेरिका में उसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, इंडिया में जो फर्स्ट फ्लोर है अमेरिकन इंग्लिश में उसे सेकेंड फ्लोर कहते हैं, और इंडिया में जिसे हम थर्ड फ्लोर कहते हैं अमेरिकन में उसे फोर्थ फ्लोर कहते हैं. क्यों? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है. आइए अब लेसन की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश में जहां आ का आवाज होता है, अमेरिकन इंग्लिश में वहां अ का आवाज होता है. यानी ब्रिटिश इंग्लिश में आ का आवाज के जगह पर अमेरिकन इंग्लिश में अ का आवाज होता है. जैसे एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कांट, यानी हम इसे कहते हैं कांट. चूंकि हमारे यहां यानी इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो किया जाता है, इसलिए हम इसका आवाज निकालते हैं आ, हम कहते हैं कांट. जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे कंट कहते हैं, यानी यहां आ के जगह पर अ का आवाज होता है. फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फास्ट, यानी आ का आवाज देते हैं फास्ट. जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे फर्स्ट कहते हैं. ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लांट, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे प्लंट कहते हैं. और ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मास्क, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं मस्क. तो फ्रेंड्स, यहां हमने सीखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में जहां आ का आवाज होता है अमेरिकन इंग्लिश में वहां अ का आवाज होता है. लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक बात गौर करना होगा कि अगर आ के पहले अ आया है तो चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन, दोनों में आ का आवाज होता है. मतलब अगर आर के पहले अ है तो दोनों इंग्लिश में हम आ का आवाज देते हैं. जैसे इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कार, जबकि अमेरिकन में भी कार कहते हैं. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं फा, जबकि अमेरिकन में इसे फार कहते हैं. यानी दोनों कंडीशन में हम आ का आवाज देते हैं. ये बात आप गौर करेंगे. फ्रेंड्स, अमेरिकन इंग्लिश में लेटर आर का आवाज हमेशा होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में लेटर आर का आवाज कभी होता है और कभी नहीं होता है. हम इस बात को समझेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में लेटर आर का आवाज कब होता है और कब नहीं होता है. लेकिन ये बात आप गौर करें कि अमेरिकन इंग्लिश में लेटर आर का आवाज हमेशा होता है. जैसे इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में बर्ड कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में बर्ड कहते हैं. इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में एक्टर कहते हैं, जबकि इसे ब्रिटिश इंग्लिश में एक्ट कहते हैं. इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हर्ट कहते हैं. तो फ्रेंड्स, यह एक बात क्लियर हुआ कि अमेरिकन इंग्लिश में लेटर आर का आवाज हमेशा होता है. आइए अब देखें
कि ब्रिटिश इंग्लिश में कब लेटर आर का आवाज होता है और कब नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस बात को जानने के लिए आपको दो बात गौर करना होगा। पहला, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर आया हुआ है तो ब्रिटिश इंग्लिश में उस आर का आवाज नहीं होता। और दूसरा, अगर लेटर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आया है, या आप यूं समझ लीजिए, अगर लेटर आर के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट आया है तो यहां लेटर आर का आवाज नहीं होता। मैं इसे एक बार और रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, कि अगर लेटर आर लास्ट में आया हुआ है तो ब्रिटिश इंग्लिश में उस आर का आवाज नहीं होता, या अगर लेटर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आया है तो फिर लेटर आर का कोई आवाज नहीं होता। अगर आपको कोई वर्ड मिले और इसमें ऐसी कोई कंडीशन ना हो, यानी लेटर आर लास्ट में ना हो और लेटर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले नहीं हो, तो फिर यहाँ लेटर आर का आवाज होगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वर्ड में लेटर आर लास्ट में नहीं है और ना ही वो किसी कॉन्सोनेंट के पहले आया है। इस कंडीशन में हम लेटर आर का आवाज देते हैं, जैसे हम इसे कहेंगे राउंड, यानी ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में इसका साउंड राउंड होता है। इसको हम रेस कहते हैं, इसे हम रीडल और इसे हम रफ कहते हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो या फिर अमेरिकन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह बात आपको याद रहेगा, अगर किसी लेटर के लास्ट में आर हो तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप उस आर का आवाज नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप आर का आवाज देंगे। या फिर अगर लेटर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आया हो तो फिर आप लेटर आर का आवाज नहीं देंगे, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हमेशा लेटर आर का आवाज होता है। आइए फ्रेंड्स, अब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग में फर्क देखें। फ्रेंड्स, बहुत ऐसे ब्रिटिश वर्ड हैं जिसके लास्ट में एस ई आता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एस ई के जगह पर जेड ई का यूज किया जाता है, जबकि दोनों का आवाज एक ही होता है, यानी आप इन दोनों को कहते हैं अनलाइज, बट थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क होता है। यहाँ आपने एस ई लिखा जबकि आपने यहाँ जेड ई का यूज किया। इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, जैसे रिकॉग्नाइज, अपोलोजाइज। ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जहां ओ के बाद यू आता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में ओ के बाद यू गायब कर दिया जाता है। जैसे इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कलर कहते हैं और इसका भी आवाज कलर है, तो दोनों का आवाज तो एक ही है बट दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। यहाँ ओ के बाद यू आया है जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ओ के बाद यू नहीं आता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फेवर फेवर, बट यहाँ पर यू गायब है। ग्लैमर ग्लैमर, लेकिन यहाँ पर यू गायब है। आइए फ्रेंड्स, अब वर्ड्स में डिफरेंट देखें। बहुत ऐसे ब्रिटिश वर्ड हैं जिनके जगह पर अमेरिकन में कुछ और वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट कहते हैं, जबकि इसे अमेरिकन इंग्लिश में कुकी कहते हैं, और जब प्लूरल में हम इसे बिस्किट्स कहते हैं तो अमेरिकन में इसे कुकीज कहते हैं। हम कहते हैं रेलवे, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है रेल रोड। हम कहते हैं ट्राउजर्स, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है पैंट्स। हम कहते हैं मैडम, अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं मैम। हम कहते हैं लॉरी, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ट्रक। हम कहते हैं टीवी, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल स्लॉट। मतलब बहुत ऐसे ब्रिटिश वर्ड हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में नहीं बोले जाते हैं, उनके जगह पर कोई और वर्ड यूज किया जाता है।